आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत अमेरिका की जेट इंजन डील के बारे में। अगर आप हमारी डिफेंस अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो हमने आपको अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया था कि इस जेट इंजन डील में कुछ विस्तार किए गए हैं, अमेरिका ने अपने ऑफर्स में कुछ विस्तार किए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट अब क्यों इस डील को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वो विस्तार क्या है जो किए गए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे की पूरी डील को कावेरी इंजन के लिए एक वरदान के तौर पर क्यों देखते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एक बात तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, जो कि 22 जून 2023 से शुरू होगा। इस दौरे के दौरान बहुत सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं जो फाइनल रूप लेंगे या हम यूं कहें एग्रीमेंट साइन करे जाएंगे। अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही थी उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक चरणबद्ध तरीके से करेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इस पूरे की पूरी डील में मिसिंग थे और हर भारतीय एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि अमेरिका का जो विस्तारित ऑफर है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिलेंगी, किस प्रकार टीओटी को एक्सटेंड किया गया है। गौर करने वाली बात एक ये है कि शुरुआत में मल्टीपल रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक 100% टीओटी ऑफर करेगा और जो इंजन है इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और अभी CNBC TV18 की एक रिसेंट रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंजन निर्माण तो करेगी ही करेगी, लेकिन वैल्यू के आधार पर तकरीबन 80% जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है ये भारत को ऑफर भी करी जाएगी। वहीं लास्ट वीक एक रिपोर्ट सामने आती है जहाँ पर बताया जाता है कि अमेरिकी सरकार के द्वारा भी जो इंजन का को प्रोडक्शन है उसके एग्रीमेंट के लिए जो अप्रूवल है वो ग्रांट कर दिया गया है। और ये क्योंकि एक कई बिलियन डॉलर्स की डील होगी और दोनों देश इसको लेकर के आपस में इस समय पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर के निगोशिएट कर रहे हैं, मशीनरी प्रोक्योरमेंट को लेकर के निगोशिएट कर रहे हैं और किस प्रकार टेक ट्रांसफर यूटिलाइज किया जाएगा उसका पूरा का पूरा जो एक रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जिस प्रकार का TOT ऑफर अमेरिका ने भारत को दे दिया है आज तक अमेरिका ने किसी को भी नहीं दिया है। हमने पूर्व के वीडियोस में आपको हिंट दिया था कि स्वीडन हो, कोरिया हो, इनके साथ भी जो TOT एग्रीमेंट साइन करे गए हैं उसमें सिर्फ 30-40% ही जो लोकल कॉम्पोनेंट्स हैं उनके इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन भारत में ये परसेंटेज 75-80% तक जाने वाला है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जेट इंजन के साथ कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें स्पेशल कोटिंग फॉर इरोजन एंड करोजन, रिपेयर टेक्नोलॉजी फॉर टर्बाइन, कंप्रेशन डिस्क एंड ब्लेड्स, कोटिंग एंड मशीनिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, मशीनिंग एंड कोटिंग ऑफ हॉट इंस्पार्ट, कंप्लीट टेक ट्रांसफर ऑफ ब्लिस्क मशीनिंग, मशीनिंग ऑफ पाउडर मेटलर्जी, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, लेजर ड्रिलिंग फॉर कंबशन और बॉटल बोरिंग ऑफ शाफ्ट्स, ये सारी चीज़ें भारत को प्रदान करी जाएंगी। ये जो कोलैबोरेशन है जेट इंजन प्रोडक्शन को लेकर के ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप साबित हो सकता है और बहुत जल्दी ये जो डील है ये फाइनलाइज भी कर दी जाएगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी एक चरणबद्ध तरीके से ये पूरा का पूरा जो ट्रैक ट्रांसफ़र है ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को प्रदान किया जाएगा। और हमने आपको पहले भी कहा कि वैल्यू के आधार पे 80% जो ट्रैक ट्रांसफ़र है वो भारत को मिलने वाला है और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसको यूटिलाइज़ करने में तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का समय लगने वाला है। लेकिन इस पूरे के पूरे ऑफर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जिसको लेकर के प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इन पे आम सहमति क्यों नहीं बन पाई। तो आइए उनको भी जान लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर हमको मिसिंग दिख रहे हैं। भले ही अमेरिका के द्वारा जो सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड से इसकी मशीनिंग और कोटिंग भारत को ऑफर करी गई हो, लेकिन जो चीज़ें ऑफर नहीं करी गई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की कास्टिंग प्रोसेस। अगर हम DMRL की बात करें तो इनके द्वारा ऑलरेडी एक वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को विकसित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्टेट ऑफ द आर्ट डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और वेन्स जिनका इस्तेमाल एरो गैस टर्बाइन इंजन में किया जाता है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की बात करें तो ये बेसिकली ऑर्थोगोनल ग्रेन सिलेक्टर्स की सहायता से बनाए जाते हैं जिनमें निकल बेस्ड सुपर अलॉयज का इस्तेमाल होता है और इसके लिए बाकायदा भारत को अमेरिका को पुश करना चाहिए था कि वो जो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत को ऑफर करें और जो भारत के द्वारा विकसित करी गई टेक्नोलॉजी है उसको एनहेंस करने में भारत की सहायता करें। और इसे एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक भारत के इंडिजिनस इंजन टेक्नोलॉजी या इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोसेस में भी देखा गया था। खैर, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये जो TOT ऑफर है ये अधूरा है क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है ये भारत के कावेरी इंजन को कैसे अफेक्ट कर सकती है और कैसे हमारे लिए ये मददगार साबित हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि HAL जो कि काफ़ी लंबे समय से कावेरी इंजन को लेकर के स्ट्रगल कर रही है उसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं जो कि अमेरिका के द्वारा ऑफर की गई जो TOT है उनकी सहायता से क्लियर किए जा सकते हैं। अगर हम कावेरी इंजन की बात करें, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कावेरी इंजन में शुरुआती दौर पर कुछ दिक्कतें थी जो धीरे धीरे रिजॉल्व कर ली गई हैं। जैसे कि हालिया अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो उसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कोर सेक्शन था कावेरी इंजन का वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था और हमें अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यानी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अच्छा ये जो कावेरी ड्राई इंजन है उसने परफॉर्म किया है। रिपोर्ट्स भी क्लेम करती हैं कि रशिया में जो टेस्ट आयोजित किए गए थे वहाँ पर इस इंजन ने 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट किया था। हालांकि जब प्रोडक्शन वेरिएंट इसका आएगा तो उसको 46 किलोन्यूटन पर ट्यून कर दिया जाएगा और आने वाले समय में ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल बेसिकली भारत के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV प्रोग्राम में किया जाएगा। हालांकि GTRE के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो इस समय इस इंजन को और भी ज़्यादा अपग्रेड दे रहे हैं ताकि इनका इस्तेमाल तेजस के जो इम्प्रूव वेरियंट्स हैं उनमें किया जा सके। अगर हम ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो अगर इस मौजूदा इंजन को हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ कपल भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये जो इंजन है ये 73 से 76 किलोमीटर का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा जो कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक जो हमारा कावेरी इंजन है इसको फ्रेंच M88 इंजन की लीक का ही मानते हैं और कहा जा रहा है कि माइनर अपग्रेड्स के बाद इसका जो थ्रस्ट है वो और भी इंक्रीज किया जा सकता है। हालांकि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके इंटेंशन क्लियर है। वो इस समय एक इम्प्रूव कोर पर काम कर रहे हैं जो कि कावेरी इंजन के लिए बनाया जा रहा है जो कि हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकेगा और उनका ये मानना है कि जिस नए कोर पर वो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 55 से लेकर के 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और आफ्टर बर्नर सेक्शन मॉड्यूल के लगने के बाद वो इसी कोर के साथ हम 85 से लेकर के 90 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे जो कि तेजस Mk 1A जैसे एयरक्राफ्ट के लिए सफिशियंट है। और माना जा रहा है कि GTRE के वैज्ञानिकों ने ये ठान लिया है कि वो F404 इंजन को रिप्लेस करके ही रहेंगे तेजस प्रोग्राम से और उनका जिस प्रकार का इंटेंशन दिख रहा है उस पर कोई संदेह नहीं है। अगर हमें आने वाले 6 से 7 वर्षों में कावेरी इंजन में कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल जाए, GTRE इस चीज़ को भी लेकर के इच्छुक है कि जो कावेरी ड्राई इंजन है इसको लगातार हम इम्प्रूव करते रहेंगे और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनसे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लिया जा सकेगा। हालांकि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो एडिशनल फंड्स हैं उनकी डिमांड करी है और ये जो रिक्वेस्ट करी गई है GTRE के वैज्ञानिकों के द्वारा ये इसलिए की गई है कि जिस प्रकार की सफलताएं उनको प्राप्त हो रही हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसमें वो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद GTRE से कहा है कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, जितना भी सहयोग होगा वो करा जाएगा। सबसे पहले ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमारे UCAV यानी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे के जो इम्प्रूव वेरिएंट है वो तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट में तो ये भी कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले GTRE को अपना जो ध्यान है वो ड्राई कावेरी इंजन पर केंद्रित करने के लिए कहा है और जैसे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो तुरंत GTRE को आगे बढ़ने का जो निर्देश है वो दिया गया है।